स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है कम्युनिटी डेवलपमेंट इन इंडिया। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट भारत में जो हमारे डेवलपमेंट हुए हैं, विकास हुए हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे कैसे विकास हुआ है, जिससे हमारे ग्रामीण जो समुदाय के बंदे हैं वो कैसे अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठा सकते हैं। तो जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, स्तर उठाने से ये होता है कि उनका जो निम्न स्तर है वो उच्च स्तर की ओर जा सके, क्योंकि उनको है ना बहुत से प्रोग्राम के बारे में नहीं पता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, उनको भविष्य के फ्यूचर्स के लिए कोई मतलब रोज़गार भी नहीं मिलता। तो ये कैसे आरंभ किया गया था, क्या इसकी नीड्स थी, है ना, पूरे राष्ट्र में ये कैसे बदला, ये कैसे चला, ये सब इसकी इंफॉर्मेशन इस आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट इन इंडियन के इंडिया के बारे के थ्रू पता चलेगी। तो चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, इसमें स्वतंत्र प्राप्ति का उद्देश्य देश की आर्थिक विकास, जो आपके स्वतंत्र प्राप्ति का जो ऑब्जेक्टिव होते हैं स्वतंत्रता से होकर, वो आपके आर्थिक विकास पर डिपेंड करता है। अपने विचारों एवं हितों के अनुकूल बीमारी आदि को दूर किया जा सके। इसमें क्या होता है, जो आपके विचार होते हैं जो आपके हित के लिए अनुकूल होते हैं, उनकी बीमारी है ना, उनके स्वयं की करने के योग्य, तो इनके बारे में बताया जाता है। महात्मा गांधी के शब्दों में, गांव भारत की आत्मा है, भारत की अधिक जनसंख्या गांव में रहती है, अतः यह स्वाभाविक ही था कि ऐसी योजना चलाए जहां इसके जिसे गांव में संपूर्ण विकास हो सके। इसमें क्या होता है, जो आपके विचार हित के अंकुल होते हैं ना, योग्य होते हैं, उसमें क्या आती है, आपकी भूख, शिक्षा, बीमारी, गरीबी, ये इनको दूर करने के लिए ये योजना कम्युनिटी डेवलप जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है वो चलाया गया था। जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने अपने विचारों में ये बताया था, गांव भारत की आत्मा है, भारतवर्ष की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है। जो क्या बताया था, जो हमारा इंडिया है ना, हमारे भारत में जो अधिकतर समुदाय, जो अधिकतर व्यक्ति होते हैं वो गांव में ही बसते हैं, तो इसलिए गांव को एक भारत की आत्मा बताई गई है। क्योंकि भारत जो होता है हमारा कृषि प्रधान भी है, बट और हमारे यहाँ पे समुदाय के बंदे रहते हैं, भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है, मतलब जो अधिकांश जनसंख्या है वो गांव में रहती है, वो इसलिए रहती है क्योंकि जनसंख्या जो होगी शहरों में कम की अपेक्षा जो हमारे गांव में है उसमें अधिक पाई जाती है, क्योंकि शहरी में बंदे एकल परिवार, एकांकी परिवार रहता है, बट जो हमारा गांव होता है वो हमारा समुदाय संयुक्त परिवार होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या होते हैं, हमारी जो फैमिली होती है वो गांव में ही बसती है। क्या होता है, इसके बाद अतः यह स्वाभाविक ही था कि ऐसी योजना चलाई जा सके जिसमें गांव का संपूर्ण विकास होता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट के थ्रू ऐसी योजनाएं चलाई गई है जिससे कि जो हमारी गांव होता है उसके जो संपूर्ण विकास होता है, उसके लिए हमारे जो गवर्नमेंट्स होती है उन्होंने नई नई टेक्निक्स के थ्रू हमें जो योजनाएँ होती हैं, प्लानिंग होती हैं, उसके बारे में बताया कि कैसे प्लानिंग करनी चाहिए और कैसे हम जो प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, जिसका क्या एम होता है हमारी, इसमें इसके बारे में बताया गया था। इसे उद्देश्य को लेकर देश में सामुदायिक कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों द्वारा आरंभ हुआ। इसमें क्या होता है, जो हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने बहुत सी ऐसी योजनाएं चली गई जिससे भूख, शिक्षा, बीमारी, गरीबी इनसे दूर हो सके, और जो हमारे जो आपका गांव होता है उसमें जो व्यक्ति बसते हैं उसका क्या है, उनको रोजगार दिला सके जिससे कि उनका जीवन स्तर ऊँचा हो सके। इस कार्यक्रम में प्रत्येक यह अनुभव कराता है कि उनके लिए चारों रास्ते खुले, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ग्रामीण पूर्व क्षेत्रों में सामुदायिक विकास का अपना महत्व होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो राजेंद्र प्रसाद ने गांव-गांव जाके मतलब बहुत जगह सर्वे किया और देखा कि गांव की हालत बहुत ख़राब है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बहुत से योजनाएँ चलाई गई जिससे कि जो ग्रामीण व्यक्ति होते हैं उनके रास्ते खुले, उनको रोज़गार मिले, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण योजना होती है जिससे कि क्या होता है, जब आप योजना बनाओगे तो उससे क्या होगा, आपका पूरा भारत बदलेगा, आपका पूरा राष्ट्र का स्वरूप बदलना आरंभ हो जाएगा, जिससे ग्रामीण का निर्माण के जो क्षेत्र होते हैं
उनका जो सामुदायिक विकास का अपना एक महत्व होता है, जो आप कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो उसका एक अलग ही महत्व होता है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसके स्थानों आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा लोगों की जो प्रमुख समस्याएं होती हैं उनका समाधान हो सके। इस उद्देश्य से ग्रामीण की गरीबी समुदाय आत्मनिर्भर बनता है, जो हमारा ग्रामीण होता है, ग्रामीण समुदाय के व्यक्ति होते हैं वो आत्मनिर्भर बन जाते हैं क्योंकि उनको रोज़गार मिलता है जिससे वे अपनी प्रॉब्लम का सलूशन खुद निकालते हैं। नेक्स्ट आता है नीड्स ऑफ प्रोग्राम, कार्यक्रम की आवश्यकताएं। इसमें क्या होता है, विकसित देशों में या अविकसित देशों में, शहरी क्षेत्रों में, सामाजिक संगठनों में विघटन, सामाजिक गिरावट एवं सामाजिक संगठन में अस्थिरता जैसे बुराइयां आ जाती है, ऐसे देशों में या स्थानों के लोगों में अपनत्व, तो निकटता और सामंजस्य जैसी अच्छाई नहीं रहती, इसलिए ऐसे स्थानों या देशों में सामाजिक संगठन की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, जो आपके विकसित देश होते हैं, अविकसित देश होते हैं, उनके जो क्षेत्र के लोग होते हैं उसमें सामाजिक विघटन, मतलब अपने घर से संयुक्त परिवार से एकांगी परिवार बन जाता है, समाज में गिरावट आने लगती है, जो हमारा सोशल एजुकेशन होती है उसमें भी अस्थिरता जैसी जो बुराइयाँ आ जाती हैं, जो ऐसे देश जो ऐसे स्थानों और देश के लोगों की निकटता एक ऐसी समस्या बनती जा रही है जो इनकी अच्छाई नहीं रह पाती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट है आपका ऐसे समुदाय का विकास करना जिसमें रहकर लोग अपने तब माने और उनके सामुदायिक कार्य का संचालन करें। ऐसे कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ऐसे एक कम्युनिटी होनी चाहिए जिसके थ्रू जो समुदाय होते हैं ग्रामीण समुदाय उनका आप विकास कर सकते हो और उसमें रहकर जो लोगों का अपना तो माना जाता है, मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, उनके जो सामुदायिक कार्य होते हैं उनका संचालन करना, जो हमारी गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम चलाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट है लोगों का संगठन बनाकर एवं उनको मिलजुल कर लोगों को आपस में कार्य करने की आदत बने, समाज के एकीकरण और सामंजस्य बनाए रखने के लिए पंचायत जैसी संस्थाओं तथा अन्य बहुत सी अच्छी बातों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये देखने को मिलता है आपका जो लोग होते हैं, लोगों का संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को एक एकजुटता होकर मिलाया जाता है जिससे क्या होता है आपको कार्य करने की आदत आसानी से पड़ जाती है, जो आपके सोशल का एकीकरण होता है, मतलब एक साथ मिलजुल कर उसमें जो समस्याएं सामंजस्य आप बनाए रखते हो उससे कि जैसे आपने गांव में देखो पंचायत बनती है, बहुत सी ऐसी संस्थाएं बनती है जिसमें आपकी समस्याएं जो प्रॉब्लम होती है उनके सोल्यूशन को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है बहुत सी ऐसी योजनाओं का आरंभ होता है जिसके आप लोगों को आत्मनिर्भर बना सकते हो। थर्ड पॉइंट आता है आपका जिन समुदाय एवं समुदायों का विकास कार्यक्रम में चलाया जाता है उन लोगों में स्वयं की समस्याओं को समझने का ज्ञान बढ़ जाता है और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का अनुभव कराया जाता है। आपने देखा होगा कम्युनिटी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे समुदाय होते हैं जिसका आप कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू कार्यक्रम चलाते हो, ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं जिससे कि जो ग्रामीण समुदाय के लोग होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम होती है उनको उनका समझने का ज्ञान बढ़ाते हैं। आप उनको कैसे प्रॉब्लम का सामना करते हो उनको समझाने के लिए आप नई नई टेक्निक्स के बारे में बताते हो और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का अनुभव कराते हो, जिसके अकॉर्डिंग आपको यह पता चलता है कि उनकी कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ जिसके अनुसार वो वर्क करते हैं, जैसे कृषि के लिए बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, सिंचाई के लिए कुएं, नलकूप, तालाब या छोटे नहर आदि के द्वारा पानी की व्यवस्था करना, उत्तम बीज और जैसे कि आपका उर्वरक का प्रबंध कराना, नई पद्धति यंत्रों को द्वारा वैज्ञानिक रूप में कृषि के लिए प्रोत्साहित देना, ये भूमि का कटाव की रोकथाम करना, फल साग सब्जियों की खेती का विस्तार करना, वृक्षारोपण करना, अनेक कार्य किए जाते हैं जिससे क्या होता है आपके जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं जिससे कि ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठ सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे आपके स्वास्थ्य रक्षा होते हैं उपचार के लिए आप उसके लिए प्राथमिक केंद्रों की स्थापना की जाती है जिसमें कि चिकित्सक स्वास्थ्य सेवक नियुक्त किए जाते हैं, जो आपके डॉक्टर्स होते हैं और जहाँ पे नर्स वगैरह होती है उनकी रोकथाम की जाती है, और क्या होता है आपके जो ग्रामीण के स्वास्थ्य परिवार के कल्याण के लिए आप बराबर बराबर सलाह
सलाह देते हो कि आप ऐसे आपके कौन से फूड अच्छे खाने चाहिए, किससे आपको क्या नहीं करना चाहिए, या आपकी ग्राम की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए शौचालय की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य संबंधी सुधार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपका जैसे शिशु कल्याण, मनोरंजन, खेल, मेला, प्रतियोगिता, प्रदर्शनी आदि ऐसे प्रोग्राम चलाती है गवर्नमेंट, जिसके थ्रू आप अपनी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू जो ग्रामीण का स्तर है ऊँचा उठ सके। आप ये भी बोल सकते हो कि जो संचार या यातायात के जो पिछड़ी अवस्था होती है उसमें सुधार करके नई सड़कों का निर्माण करना, यातायात की जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन करना, आपके यहाँ पे जैसे सहायक कुटीर उद्योग है उनको विकसित करने के लिए नए कुटीर उद्योग की स्थापित करना, ग्रामीण बेरोजगारी है उसकी प्रॉब्लम को हल करके उनका प्रयत्न करना है, जिससे क्या होता है आपके कम्युनिटी डेवलपमेंट के थ्रू होता है जो गवर्नमेंट्स नई नई टेक्निक्स के थ्रू चलाती है, और जिससे जो ग्रामीण समुदाय के बंदे होते हैं उनका जो फ्यूचर होता है, जो जीवन स्तर होता है वो ऊँचा उठ सके।